जो मंगे सो दे दूंगी क्यों बाबा शर्मावे से मन देख के दुख पावे से मन देख के दुख पावे से और मेरा सभी परी वार बाबा मेरे कैसी का दुनिया बहुत परेशानी हो रही है। तेरा रोग काट के जाऊंगा। काट के जाओगे? हाँ। मैंने मेरी दवाई कोन्या पाई यो हो गया मोटा चारा पर मैं दुखियारी मारी वारी मर गई मेरी हो जान का गारा राम किशन कहे नारन दीवारा राम किशन कहे नारण देवाला हर मतलब का सनी सारे बाबा बिगड़ी मैं बड़े भड़ोई चलती कैसो यार बाबा दस दिन हो गए पूछ लगे। देवी ये तेरे शरीर में जो कुष्ठ लगा है हाँ ये सिर्फ 10 दिन से लगा है जी बाबा। उससे पहले आप बिल्कुल ठीक थे? बिल्कुल ठीक थी बाबा। एक बात बताओ, एक भी निशान नहीं था शरीर पे। एक बात बताओ मेरे को, ये सर में पूरा रोड़ा हो रहा थारे करके ना बाबा? हाँ। आपके पास बच्चे कितने हैं? एक लड़का है। क्या नाम है उसका? चतर सुजान। हाँ चतर सुजान ही मेरे बात ध्यान में आएगी। ऐसा है मैंने शहर में सुनी है जी के पहले उस चतर सुजान की सगाई कर रखी थी कई डबरूगढ़ आसाम किसी रूप कला के हाँ, साथ पंडित दीनानाथ की लड़की रूप कला के साथ में हाँ कर रखा था मैंने रिश्ता 10-15 साल हो गए जी हाँ। और आपने छोड़ दिया? मैंने छोड़ दिया बाबा। क्यों? दुनिया ने बका दी के वो तो लड़की अवारा है जादू खोरी है। दस बजे तक 12-12 बजे तक अगन बोट में बैठ कर समुद्र बड़े हैं। अच्छा। इसलिए मैंने जवाब दे दिया बाबा। जवाब दे दिया हाँ। तेरा लड़का कहाँ है? वो तो शादी करने के लिए गया बाबा। शादी करने के लिए गया हाँ। फिर तेरा इलाज बिल्कुल ठीक है। लड़का शादी करने गया तो बाबा तो रह लिया कुआरा है बाबा। ऐसी मत सोचो, इलाज जरूर करो बाबा। तेरा इलाज हाँ मैं बता दूंगा हाँ, लेकिन तू नहीं कर सकेगी बाबा। कितना भी कठिन इलाज हो हाँ, मैं जरूर करूंगी। दुखी होली परेशान है बाबा। ले तो फिर सुन देवी, तेरी बीमारी का इलाज मैं तेरे को बताता हूँ। बताओ। जिस लड़की का रिश्ता तुमने छोड़ा है अच्छा रूप कला है, तेरा लड़का उस रूप कला ने ब्याह कर लिया वो आके तना अपने हाथों से नुहावे मसलक है रूप कला हाँ। जब तेरा ये कोड ठीक हो सकता है अच्छा, नहीं तो गड़के सड़के कीड़े पड़के नुहे मरेगी। ए बाबा दादी, बाबा की बात तो रे को नहीं जानती थी खरी, तेरे मां को जावेगी। क्यों कर जागी रे? या तो वो बाबा आवे दो बार तेरा छोरा उसने ब्याह कर लिया वे रूप कला ने ठीक और वो अपने हाथा से नुआवे मने हाँ जीव तेरा यू रोग ठीक हो इसके है अच्छा। और नहीं तो दादी गड़के सड़के कीड़े पड़के मरेगी तू और तेरे कीड़िया में नहीं सती दादी और के पड़ेंगे। मैंने इतना बड़ा जुलम करया कि निर्दोष लड़की के ऊपर इतना बड़ा पतिव्रता की हाँ हाँ पतिव्रता पे इल्जाम लगाया झूठा वो तो ठीक के होगी हाँ है? दादी तेरे कीड़िया में नहीं सती और तेरे तो गंडो हुए पड़ेंगे दादी अरे गड्ढन जो गए और तन्ने गांव के छड़िया में फूकते भी नहीं और तन्ने तो सीम पर काट कावांगे मुंदी है बस गांव में छड़िया में फूकावे। ठीक है गुरुजी चाय पी चाय मंगवा दूंगा ना अभी नहीं तेरे हाथ की चाय पिएंगे। लीजिए मेरे दा हां जी
कालू राम नायक के सपुत्र राजल जी 200 रुपए मंदिर के नाम से दान करते हैं, धन्यवाद। श्री धनपत के सपुत्र पवन कुमार जी सांग लेखक 500 रुपए मंदिर के नाम से और 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। 500 रुपए पहले भी आ रहे हैं, 1100 हो गए, 1100 कर दो। सिंधु मास्टर जी बैंड मास्टर 500 रुपए मंदिर के नाम 100 रुपए पार्टी को देते हैं। वाजिवा नथु बैंड मास्टर जी आपका बैंड बजता रहे, बिल्कुल धन्यवाद। पन्ना लाल के सपुत्र हरिओम जी 500 रुपए मंदिर के नाम 50 रुपए पार्टी को देते हैं, धन्यवाद। दानीवीर का मेहरचंद के सपुत्र साधु राम जी गांव पथराली से 1100 रुपए मंदिर के नाम 100 रुपए पार्टी को देते हैं, दानीवीर का धन्यवाद। राम कुमार के सपुत्र नंद किशोर जी 500 रुपए मंदिर के नाम 100 रुपए पार्टी को देते हैं, जय हो नंद किशोर जी, धन्यवाद। ठीक है जी, और ले आओ और आओ जी। सांग आज का आपकी सेवा में, आज का सांग लास्ट एंड फाइनल सांग। हाँ जी, जो दानीवीर दान कल का सांग, कल का सांग इस पार्टी का मुंडहाल देखी होगी, मुंडहाल तो कल का सांग है मुंडहाल पीर बाबे के चरणा में दात ना सैयद पीर बाबा। कल का सांग है मुंडहाल पीर बाबे के चरण में तीन सांग, आजाद का सांग। धन्यवाद दानी सजनों का, दान का ध्यान दीजिए, लीजिए सुनिए एक गाना। पांडु घाट के पंडित की लड़की से शादी कर आता है अपनी माँ के पास, सुनिए। मैंने कहा मारी, हेलो, हाँ बेटा, एरी माँ, हाँ, जता ले उन डोले में तो बहू ने, किसने, बहू ने, अरे मेरे तो दूना रोग लग गया रे शरीर में, है? मेरे मतलब जा हिला चला भी कोनी जंदा रे, के होया, दूना रोग लग गया, अपने आप आ जाएगी, मारी, हाँ, फिर पड़ोसी ना भेज दे, मेरी शोक भाई रोई रान देख भी लवे कोनी अंधी, फिर वह डोल डोल में भी ठीर हुई गिरी, अपने आप आ जाएगी, मारी अपना पाजी की डोले में तो उतर के लुगाई लुगाई जाने क्या तक हुआ है भाई, युद्ध दत्ता हमा वह तो अपना पाजी की डोले में बैठी चाचा दल्ले बाबू भाई, हेलो चाचा दल्ले बउआ डोले में बैठी क्यों कर करेगा, तेरी शादी होगी, तेरी शादी होगी, हाँ इस खुशी में मैं तेरे तक कुछ मांगू भाई, बोल माँ, तीन वचन दे दे, वचनों का क्या करोगी, नहीं जो तेरे बेटे के पास है बोल क्या चाहिए, तीन वचन दे दे, एक दो तीन, मेरी बात सुन, बोल माँ, गड़े में चाल्या जा क्यों
आज आठवां दिन आ लिया, आठवें दिन तरस आईया चतर सुजान, आठवें दिन तरस आई और तरस कौन सी है, होई आखनम चतर सुजान मारी मेरे बेटा तू डबरूगढ़ ने चल जा, एरी क्यों बे जैसे डबरूगढ़ ने मन बता दे मेरी माँ, मत ना पूछा रे मेरे बेटा कावड़ करके चाहिए तू, और क्या की खतर बेचा सामरी माता मने बताइए तू, हर ब्राह्मण की बेटी से उसने राजगढ़ से सरपंच पप्पू जाट 200 रुपए और 200 रुपए भाई फूल कुमार सरपंच राजगढ़ बतौर मान सम्मान देते हैं, धन्यवाद करता हूं मेरे भाइयों का पप्पू जाट और फूल कुमार सरपंच राजगढ़। जो सीली सीली आउंदी है हवा इथे कोई रोंदा होवे की बेटी से उस रूप कला ने जाके लिया, एरी रूप कला ल्यावण का मेरी माता मने बताइए रा क्यों ल्याओ, कौन है रूप कला, रूप कला की हेरे रूप कला की तेरे साथ में पहले हुई
200 रुपए मान सम्मान और प्रणाम करते हैं बाबा जी सुमेर गिरी जी महाराज शरणों में। 100 रुपए क्या नाम भाई का धन्यवाद। 100 रुपए बातों मान सम्मान मेरे भाई और 500 रुपए एनके स्टूडियो विभानी मेरे भाई एनके स्टूडियो जो हरियाणा प्रदेश की संस्कृति को जिंदा रखे हुए सभी सांगियों के सांग एनके स्टूडियो के पास एनके स्टूडियो विभानी इस पार्टी के भी जितने सांग हैं मेरी समझ में 25 सांग इस पार्टी के एनके स्टूडियो के पास रिकॉर्ड पड़े हैं। 25 सांग भाई धन्यवाद। 500 रुपए बात और मान सम्मान देते हैं मेरे भाई। कुछ भी ना बदमा सिपाही अरे मैं दुनिया ने दे रे भुका एरी उसका सांस सेंद गया शर्मा। हाँ जानते तेरे कोड लग गया था ना एक पतिवर तप है। अच्छा झूठा इल्जाम लगा दिया रही भाई मेरी बहुत भारी गलती हुई है एरी माँ। हाँ तने जुलम करिया रही एक बात और है भाई एक पतिवर तप है। हाँ इतना इल्जाम लगा दिया रही। हाँ भाई दोबारा बोलो हेरे रूप कला जादू खोरी जो कटे मेरी बीमारी ने हेरी उसने हेरे रूप कला जादू खोरी जो कटे मेरी बीमारी से खाट पे मेरी बात था अब देखा कुन ने सुवा या तो तरन ढोले में तभी नितारी दी। भाई मेरी बात सुन ले रे तू के कवाई रूप कल ने ब्याह कर लाऊं यानी पड़ेगी माता वचन दे रखे हैं तने कदे वा भी नहीं आवे सच सच तल्ले कदे वा भी नहीं आवे अरिया अरिया भी तक भी तेरे को नहीं ढोले में तभी नितारी अरिया भी जानती रहे फिर मैं न्यू का न्यू है सच सच तल्ले फिर न्यू का न्यू है एक बात तूने दिल की भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो मेरे बड़े भाई इसने ले लिए न्यू का न्यू इन्हें
सॉन्ग में ले लिए। बड़े भाई श्री धर्मवीर सरपंच साहब रामपुरा जिला सरखी दादरी, जिला सरखी दादरी, बड़े भाई राम धर्मवीर सरपंच रामपुरा रामपुरा प्रणाम करता हूं भाई के चरणों में। 100 रुपए बातुर मान सम्मान देते हैं, धन्यवाद। पथराली से श्री सज्जू राम जी 100 रुपए धन्यवाद, और 100 रुपए हमारे के नाम भीम भीम बली धन्यवाद, भीम बली 100 रुपए मारी। हाँ हेरी माँ एक बात और है भाई, एक माँ एक मिनट हेरी माँ। हाँ रामपुरा, हाँ रामपुरा डूडी आला किशनपुर जिला चरखी दादरी, जी हाँ बाबा गोवर्धन दास हाँ कितना प्रेम दे दिया हमारी, नाम लेने से भी आत्मा हेरी माँ कितना लाड दे दिया बाबा ने, बहुत ज्यादा है कभी नहीं भूलेंगे। और धर्मवीर सरपंच ने मेरे भाई ने पूरे इलाके ने पूरे और पूरे इलाके ने गुआंडा ने जी हाँ कितना लाड दे दिया हमारी, बहुत ये बाबा बूंदीनाथ किशनपुरा डूडी आला प्रणाम करूं बाबे के चरण में, इतना लाड दे दिया इतना प्रेम दे दिया बाबा बूंदीनाथ ने, जय हो गुरु जी की कोन्या भूलिया सवारी मारी। पर एक बात है भाई मेरी माँ हाँ के कवा है रूप कला ने दो त्रिया माँ रोज रहेगा मत करा चतर सुजान दोनों वाशती करिए इश्क मोहब्बत प्यार तेरी माँ। हाँ इन्हें चाचे ने नींद को नहीं आने की आज रात में को नहीं आवे चाचा दल्ले रमेश शर्मा जी गोलपरा से रमेश शर्मा जी 200 रुपए और 200 रुपए चाचा दल्ले आज को नहीं नींद होगा बाबा जी सुनिए बाबा गोवर्धन दास जी जय हो राम बाबा गोवर्धन दास जी रामपुरा गौशाला 200 रुपए बातों आशीर्वाद देते हैं प्रणाम करते हैं बाबा जी को चरणों में और 500 रुपए बाबा बूंदी नाथ जी महाराज जय हो 200 रुपए एक मिनट फिर 5 मिनट मैं स्वाद की एक रागनी और ले लू एरी माँ। हाँ उनतार ले रही टोले माता भाई मेरी बात सुन ले रही पहले मेरी बीमारी का इलाज पूछ ले क्या है एक साधु महात्मा मेरे द्वारे पर आए थे और उसने मेरी बीमारी जो देखी के बुढ़िया तेरी बीमारी का इलाज तो हो सकता है पर बड़ा कठिन है तेरा छोरा रूप गलत है तेने जवाब दे दिया उस पतिवर्ता पे तेने झूठा इल्जाम लगाया है
अगर तेरा छोरा छतर सुजान उस रूप कला ने ब्याह के लियावे और रूप कला तेने अपना हाथ तेन अवे मारी, जब तेरी बीमारी ठीक हो सकती है, अन्य गड़ के सड़के कीड़े पड़ के मर जागी। तेरी माँ एक बात बता, हाँ तू न्यू को रूप कला ने ब्याह के लिया हूं मैं भाई, वो अतना आके न वहां देगी हाँ, और तेरा कोड ठीक हो सके। मैं ठीक हो जाऊंगी भाई, कदे वाह भी नहीं आवर या भी जाले ना भाई, तू सोच रहा है ना हक उसके बापू की मैंने बेइज्जती कर रखी है, तने उसके बाप की रूप कला के बाप की हाँ। बेइज्जती कर कब तक का दे कबार काट रखा है करता है और जाती मैंने पिटेगा ना। मेरा बेटा बड़ा ठीक है, सारी बात समझे घटी बदी ने, एक बार मिल तो लियो इन्हें, चल भाई मिल ले इन्हें समझा दे ठीक है, तू बैठ जा मां प्रेमती। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम उरो। हाँ जी मेरी बात सुन ध्यान से, बोलो मेरी माँ के काया में कोड है। ओ, ये तो बहुत बुरी बात है। और मेरी माँ तो रह कोई बाबा आया था न्यू को है मेरी माँ, मेरी पहले रूप कला के साथ में सिखाई थी। ठीक है रे जान दे, हो जा कर रिश्ते रखते मैं उसने ब्याह कर लिया हूँ, मेरी माँ ने बनवा देगी। ईब हाँ ईब ब्याह कर लिया होगा हाँ मैं क्या करूँगी हैं तेरे खातिर मैं क्या करूँगी कि जाऊँगी तो ज़्यादा तल्ला के लेबी कीजिए जमा ज़्यादा ठीक हो जाएगा। प्रेमती मेरी मजबूरी है, मेरी माँ के काया में कोड है, मन लियानी पड़ेगी वो। मैं जान को ना दू है? तेरी माँ मरो सो पे मैं जान को ना दू तने, और फिर भी मैं तो घर का बारने भी नहीं गई थी और तुझने दूसरी नौर बयान चल पड़ा। प्रेमती हाँ मेरी मजबूरी है, और मेरी मजबूरी तो समझे, मेरी माँ नु आनी जरूरी है और मैं जरूरी को नहीं के के मेरी माँ बीमार है, मन जाना पड़ेगा लानी पड़ेगी वो। पंडित जी देखे नहीं नहीं वो उन्हें छोड़कर नहीं जा करते, तेरे की डाला हाय हाय किसे ने पूछ लिया गलत बात से तेरी, अरे मेरी बात सुन ले लच्छा अच्छा दल्ले बैठ जा सुतड़ दर कतला है तड़ो खुली खड़ेगी रागनी, बैठ जा सुना के कहना चाहवा है। कृष्ण सरपंच अत्री अच्छा कित बैठे हैं हाँ हाँ कृष्ण सरपंच पथराली से, पथराली से तारा प्रजापति 100 रुपए धन्यवाद है, और पथराली से सरपंच कृष्ण मेरा धन्यवाद सरपंच कृष्ण पथराली से अत्री साहब का के कहना सवा है। क्यों कहना चाहूं नू नहीं करया करते क्यों करे खत्म कर दिया। अरे मेरे माँ बाप ने क्या सोची थी या?
प्रेमवती प्रेमवती के दिया था मारे घर क्या के दिया और अंतल समुंदर मेरे सपिया मेरी माता ने सिलवाई थी कल्टी दुगनी मान माला पिया पैर कहलाई थी कल्टी दुगनी मान माला पिया पैर के आई थी मैं क्या की खतर लाई थी के हार श्रृंगार ने मैं तेरी खतर लाई थी के पूछू हार श्रृंगार उसका तो बाकी कौन है तू तो कोनी बाकी रही मनोर इसका ही रिश्ते में तू भी मान जा मेरी बात सुन मन जाना जरूरी है मान जा जावगा जाऊंगा जाना जरूरी एक काम करिए सरका भरा जमाना सारा बच के
जुआ। अच्छा मेरी माँ का इलाज करवाना जरूरी है। जल्दी आऊंगा पप्पू साहब, मेरा भाई इतना यार है। अच्छा। तने किमे चाहिए जमा सरकारी बता बना दी। भाई ने मेरा भाई से पप्पू जाट राजगढ़। सुनिए मेरे दानी सुन सत्र सुजान अपनी मां के पास छोड़ के उस प्रेमवती ने एक दिन भी नहीं रहा प्रेमवती के पास। मां से बड़ा प्रेम था मेरे दानी सजनों। एक और खास बात सुनने की है, मां बाप तबड़ का कि मैं भी खोल मां बाप की सेवा करते भगवान भी खुश होता है। मां बाप तबड़ का कुछ भी प्यारा को ना अपनी मां के पास छोड़ के प्रेमती ने चल दिया। सोचने आ गया जय रूप कला से मिला तेरी मां ने बेइज्जती कर रखी है रूप कला की, जाते मारेगा रूप कला का बाप तने। क्यों ना उस जादू खोरी मनियारी से मिल ले जिसके साथ रूप कला की दोस्ती है। क्या होता है सुनिए। मैंने कहा कि भाइयों राम राम आजो ले आजो आजो लीजिए। धन्यवाद मेरे भाई रमेश पंडित जी, 100 रुपए बातुर मान समान और 2 मिनट का समय ले रहे हैं, सिर्फ 2 मिनट का। तोड़ का सांग रह रहा है करते। सारा पूरा करेंगे जी, पूरा करेंगे, इधर मैं नहीं छोड़ूंगा। आजो मेरे दानी सजना सेठ तारा चंद के बेटे की बहू। हाँ जी प्रभाति प्रजापति कृपा स्टेज पर आए और बाबा सोमनाथ की मूर्ति देकर के उसको सम्मानित करेंगे। एक भी महानायक स्टेज पर आए। आज 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 बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, मान सम्मान। आज राम आज और श्री हरि किशन पंडित जी डूटी वाला नंद करण। सुनिए और मेरे भाई बनी बनी है ना भाई अमर सिंह थनेदार का छोटा भाई बनी बनी जी आज एक बार मंच पर आज 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 श्री अमर सिंह थानेदार के छोटे भाई बनी आज दियो एक जी ले यो एक। इनके नरेश कुमार एनके नाई कुमार डूटी वाला आनंद कर जिन्होंने 11,000 रुपए बाबा सोमनाथ के चरणों में दिए हैं और 1100 रुपए पार्टी को और चादर से मान सम्मान कराया, पगड़ी से मान सम्मान कराया। पंडित हरि किशन जी 500 रुपए तो मंदिर के नाम और देते हैं और 1100 पार्टी के नाम से। गलत बोल क्या गया? अच्छा 1100 पार्टी के नाम और 500 मंदिर के नाम और 100 रुपए 500 रुपए सतपाल कश्यप के नाम से। जय हो भाई। धन्यवाद श्री राम कृष्ण पंडित जी डूटी वाला आनंद करण। लो मालिक हाँ मालिक लो जी लिखियो रमेश जी लो
और एक संपन्न सिंह 1100 पार्टी के नाम है, 500 मंदिर के नाम है और 11000 पहले दे चुके, और एक पगड़ी, और 1100 पार्टी के नाम पहले दे चुके, और 100 रुपए भाई सतपाल कश्यप के नाम है, और 500 रुपए भाई बन्नी पार्टी को, 500 रुपए भाई बन्नी अमर सिंह थानेदार के छोटे भाई 500 रुपए पार्टी को और देते हैं। धन्यवाद लीजिए भाई, ये बाबा गोवर्धन दास की फरमाइश सेठ तारा चंद भाग नंबर 2 की अहम रागनी, उसके बाद देखिए सांग। सेठ तारा चंद के बेटे की बूत रहमान की 4 बजे बुला लिया सेठ तारा चंद को के लाला जी सेठ जी 4 बजे आजिए धूने पे और धूने में हाथ मारिए, जो भी चीज मिला उसने बेच गया गिरवी धर के और जाओ अपना बेटा छटवा ले। 3:15 बजे चल दिया सेठ तारा चंद, नींद नहीं आई सारी रात, गरे गरे ख्याल एक कक बोले एक करोड़ का दब देगा पंडित जी का। हाँ गौ ब्राह्मणे साधु की सेवा गौ ब्राह्मण साधु की सेवा सुन कद दुख न है तो जागी और कई साथ की साधु जी तेरी साची भी हो जागी गौ ब्राह्मण साधु की सेवा भाइयों। गौ ब्राह्मण साधु की सेवा या झूठी को बात, 1 करोड़ का 1 बोल है पप्पू जाट। गौ ब्राह्मण साधु की सेवा जन कद दुख न दुख जागी और कही सांझ की साधु जी तेरी साची भी हो जागी। पिछले सेवा हो जाएगी।
साची भी ओ जागी। प्रणाम करते हैं बाबा गोवर्धन दास के चरणों में, 500 रुपए बातोर आशीर्वाद बाबा गोवर्धन दास, रामपुरा गौशाला जिला चरखी दादरी, जिला चरखी दादरी रामपुरा गौशाला बाबा गोवर्धन दास, 500 रुपए बातोर आशीर्वाद देते हैं, प्रणाम करते हैं। और राजगढ़ से पप्पू जाट मेरा भाई, वो भी 100 रुपए सरपंच साहब धन्यवाद, और 100 रुपए फूल कुमार सरपंच साहब नया राजगढ़ धन्यवाद करूं मेरे भाई को। और बेतू का तो जिक्र है भाई, मन शांत कर दुरागनी का जो तला तला चलो स्टेज पर भाई। ओए जी, 100 रुपए बातोर मान सम्मान धन्यवाद करते हैं। दयावती कद हटकर रुई कैसे पहला बसो जगह मैं दिन कद आवेंगे, सेठानी धन माया की कमी नहीं थी, गौशाला पाठशाला प्याऊ भंडारे दान पुन किया करता, रात टोटे मां लिया दयावती कद हटकर रुई कैसे पहला बस हो जागी, कही सांझ की साधु जी तेरी साची भी हो जागी। तीसरी बात प्रमाण सुनिए, केदारा पंडित जी असलवास दुबिया से धन्यवाद करते हैं पंडित जी का, केदारा पंडित जी 100 रुपए बातुर मान समान आशीर्वाद, और 100 रुपए मेरे भाई धन्यवाद मेरे भाई राजेंद्र असलवास दुबिया से, और 100 रुपए दुर्गा पंडित जी धन्यवाद करते प्रणाम करते हैं पंडित जी के चरणों में। तीसरी कली में प्रमाण दे दिया दादा ने मेरे दानी सुनो तोड़ बैठा दिया बात का सुनिए, धन माया
थे बड़े बड़े शे थे बिगड़ गए मिल जाते जोड़ी करन मिल जाते जोड़ी कर लूं वत दयावती ओ जागी रे कई साल की साधु जी साची ओ चौथी कली में दादा ने कति तोड़ पाड़ दिया सरपंच धर्मवीर चार लाइन सुनी हुई है देहांत है दादा ने तोड़ बिठा दिया चौथी कली में के बोल दिया अरे बेटे सुन ये खान सब मेरे भाइयों देवर जे सुदामा यो सारी दुनिया फिर वरंगती हाय नम्मा हाय नम्मा लखनी चंदे दो दिन का जीना कर आगे का समा ये है राम सन का स्टाइल आई सब दुनिया के जर जागी अरे मैं अंधा मनियारा तू कुंगर की गए लड़कर जागी काम ले ले
काट देना छेड़ देवरत है यो से जवान छोरा। अच्छा 100-150 की तू चुड़ी मेरे बेच के आऊं और 250-300 की तू बेच के आवे। अच्छा, और यो से जवान छोरा 500-600 की चूड़ी बेच का अपना धंधा बहुत बढ़िया चल लेगा, खड़ी होगी हर पड़ोस में ठाट बनेगी। इसने चूड़ी बेचनी सिखा दे, पूंजी के डोबू चूड़ी बेचनी सिखा दे से। तन और नहीं पाया कोई मनी आ रहा गागर मोसा सीधा मारे आली यार है के बात मोसीरी सह सकी यू तो के लग गए तेरी या मेरी मोसी लग गए जानो जिसी मोसी लग गए हैं के बात है की करेगा चूड़ी नहीं बेचने जाता। अच्छा 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 हाँ यू बांधना पड़े बेटे यू जरूरी यू के हमोसा इसके पास से गठड़ी टंगिया करे न्यू गठड़ी टांगेगा नहीं ठीक और जे यू ना बांधूंगा नहीं तो गठड़ी वो बैग गठड़ी लग लग के कर न्यू हो जाएगी जो कर कमारा का टट्टू गयो आकर। अच्छा मका छोरे न मारेगा के छोरे न मारेगा ये तो पहले ये गांठ है तो रह रही है। मोसा खंड का और बांध है अरे मनी आ रही। हाँ इसका तो यू मेरे ते भी फंस का यार खंड का खंड का कहने का पंडित दिखे है प्योर मनी आ रहा बीज है। अच्छा आए ना ना रे जोर ते ना मारे देख देख तेरे तो रे मारे मेरे पछे ते तो तोड़ गड़ेगा कुंगर कहली नहीं मानिया कर दे बेटे ले सामान दो ते टांग ले हैं क्यों कुत्ता नहीं पाड़ लेगा। अच्छा ठीक अरे जो टांग पाड़ ली टांग तो राजी हो जाएगी जोड़ा इसका भूखा लिया भगा हुआ वो जिसमें चूड़ी चाड़ी है लिपस्टिक बिंदी आवाज सीख ले जैसे भी जिसमें मोहल्ले में काम मचावेगा ऐसे बोलना है क्यों करे बैंगड़ी चूड़ी बैंगड़ी चूड़ी मनियारी। हाँ रोटी नहीं खाई इसने 8 रोट खा गया और फिर भी बैंगड़ी चूड़ी अच्छा बोला बैंगड़ी चूड़ी बैंगड़ी चूड़ी बैंगड़ी चूड़ी बैंगड़ी चूड़ी चूड़ी यू के है मौसम यू कर देगा कि इतनी आवेगी बेटे चूड़ी चढ़ाई नहीं जाएंगी बेटा ले सामान इसमें इसमें चूड़ी है मर्दाना सीसा कंघा धागड़ी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तीन दिशाओं में जाना पूर्व पश्चिम उत्तर में चला जाऊं दक्षिण दिशा में जाइयो दक्षिण में नहीं जाऊं क्योंकि मैंने वहां चूड़ी बेचने के लिए मैं ही जाती हूं उस एरिया में। मेरे दानी सदनो वह जादूखोरी मनियारी न्यू बोली के बेटा दक्षिण दिशा में मैं जाऊं चूड़ी बेचने दक्षिण में ना जाइए समझ गया कि इसका मतलब रूप कला दक्षिण दिशा में है दक्षिण दी समझ लिया सॉरी भाई दक्षिण दी समझ आ लिया पूछना क्या भाई अरे कोई रूप कला है लोग ने बोले भाई वो सामने चुबारा रहा रूप कला और वह चुबारे पे खड़ी रूप कला देख के रूप कला का रूप उसने अपने होश वास खो बैठा कहां कहां का प्रमाण दे दिया ये है बेटे वीर साने गया और
चतर सुजान गया और रूप कला खड़ी सज्जे ऊपर मन यारे का ध्यान गया। देखते ही रूप कला ने ओ सवास खो बैठा। शंकर की पार्वती और जा, और किते बेचारे तेरी चूड़ी नहीं बिचेंगी। क्यों?
यहाँ पे एक जादूखोरी मनियारी आती है, सभी लड़कियां उसे चूड़ी पहनती हैं। अच्छा वो मेरी चेली? जी वाह। तो तेरी चेली? हाँ। आपका नाम है? रूपकला। रूपकला? हाँ। यदि तुमने चपारे पे बुला लेना। अच्छा ऐसी चूड़ी पहना दूंगा जिंदगी में पहनी होंगे। चल 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 अपना काम कर। चूड़ी गनी बढ़िया ले रहा है। आय हाय पप्पू जाट न पूछ का देख। इसका भी चढ़ाई एक बार पहनी थी। आई भी लग पीछे पीछे फिर है। हैं? ये भी लग पीछे पीछे फिर है। पीछे पीछे फिर एक और पराय दे। लाले भी सब। ये! मनियारे आ ओ मेरे पास में। ओ मनियारे आ मेरे पास में। कद की तने बुलाऊ मैं। ये नर्रा पवना रूप कला बताऊ तू करू पर में। कद कितने बुलाऊ मैं रापा मैंने रूप कला बता क्यों कर उपराऊ मैं रानी दिख रहा है। दिख नहीं रहा ना ध्यान तो देख। दिख नहीं रहा तेरे मुख के तेरे मुख के शमी सा जिन्न का दरवाजा राय ऊपर चलना ऊपर चलना मुश्किल सदूर रूप कला नीचे ओ मनियारे तू पड़ गया ते ओ मनियारे हाथ पकड़ के ठाऊ में रफेर उठाए थे फादा जब पड़ के माल तोड़ाऊ में। ओ मनियारे आ मेरे पास में लगी तने बुलाऊ में या बावे नारू पकड़ा लगू करू परे आऊ हाथ पकड़ के ठाऊ में फिर उठाए के फायदा जब पड़कर नार थोड़ाऊ मेरी नारे टूट जाएगी फिर तो ठाइए से ना ठाइए मनियारे। हाँ एक बात सुन ले। बोल। चूड़ी बढ़िया नहीं पाई ना खाल उदेड़ दूंगी। रूप कला है मेरा नाम चूड़ी। हाँ ले मने कती करता फालतू भी है। हाय हाय चूड़ी
चूड़ी चूड़ी चूड़ी चूड़ी चूड़ी ऐसी चूड़ी है को नहीं। एक बार पर के देख ले। अच्छा फिर नुकू आएगी इन तब बढ़िया चूड़ी साए को नहीं। अच्छा फिर मैं ये ये यार ना बोती छुड़ी दे रखी थी पहला दिन हमारा बेटा कद लेकर ना बाज आपका नाम रूपकला रूपकला एक बात बतलाओ ब्याह रखी हो कुमारी मैं तो इतने कुमारी हूँ फिर छुड़ी नहीं पराऊंगा क्यों नहीं पराऊंगा छुड़ी फिर तेरे को छुड़ी नहीं पराऊंगा क्यों नहीं पराऊंगा मेरे गुरु का श्राप है के श्राप है तेरे यदि मैं कुमारी लड़के ने छुड़ी परा दू ना तो ब्याह नहीं होगा उसका कुमारी श्राप है मेरे गुरु बकवास ना करे चूड़ी दिखा फेरवा का उसाला में छोटनी क्या था ना तेरते चूड़ी दिखा ओ दिखा चूड़ी ए रूप कला न मन यार ये की भाई की थी मुसामर और मन यारा भी समझदार दी सारी चूड़ी फोड़ पागल आपने मेरी चूड़ी फोड़ी आपने फोड़ी आपने फोड़ी आपने फोड़ी आपने फोड़ी आपने फोड़ी पैसे दो मेरे चूड़ियों के तक तेरे टकाते फूट की फटाकी तेरी फूटी इसकी फूटी गणेश करे ओए चूड़ी क्यों फोड़ी है मेरी चूड़ियों के पैसे दो कैसे पैसे चूड़ी क्यों फोड़ी आपने फोड़ी आपने फोड़ी आपने फोड़ी आपने फोड़ी फूट की फूट ली पुलिस
कौन है? चनाने माल में गड़बड़ खड़ी कर रहा, इन्हें पकड़ कर वाला तुम्हें ठोक दे। चार का डीएस के जंदे सीधा लड़की के पास अकेला लड़का क्या कर रहा है? क्या है रिश्वत दे रहा है? अच्छा जा भी मेरे किशन कन्हैया चढ़ जा, मैं नहीं तड़के 11 बजे लगांदा। मेरे दानी सुन रूप कला ने पुलिस वाले से पकड़वा दिया 17 सुजान को, छूट गया जाता है जादू खोरी मनियारी के पास। सुनियो भाई सुनियो, थोड़ी देर का रह रहा मामला, बैठ जाओ 10 मिनट बैठो, सिर्फ 10 मिनट बैठो। मौसरी हाँ ले के पीछे दे मैंने यहाँ पड़ी चूड़ी, अरे फूट गए तो हाँ फूट गई। आज तेरा मुस्ता जीत मार दियो तेने, मैं नहीं छोड़ा बिल्कुल भी। अंधे आ ले छोरा छोरा आ गया के हाँ फिर बेचिया चूड़ी बेचिया लिया भी के कुमा के लिया है देख ले मौसा। हाँ भाई चौक में चूड़ी खोल के बैठ गया। आहो दो झोटे आए लड़ते 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 दो, एक तो बीजा जांगड़ा का अरे एक रमेश पंडित का। अच्छा जोड़ मत है अरे मेरे पे भी आए मौसा आए के अरे ले ये ले ये कमर पर दूध 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 हल्दी केर का हल्दी केर का गुड़ केर का दिया के कया दो झोटे आए जोड़ मत गुड़ते गुड़ते और मेरी कमर पर पैर तेरी कमर पर को कूद के। ओ भाई 15 साल तो मैंने के और कम तक कम 14-15 साल तेरी मौसी ने हो गए चूड़ी पर देने ठीक ना तो को देखा कर दो टमेरा को कुदिया और ना स्त्री मौसी बचड़िया ठीक हेरी मौसी जिसी धर्म की माँ तू है और बना लेंगे। हाँ बेटे डटिए धर्म की माँ तो चाहे तू 100 बना लिए फिर बाबू मन रखिए भाई परेशानी बता के मैं एक शर्त पर रह सकूं जमन रखना चाहती हो तेरी रूप कला की दोस्ती है तेरी रूप कला की दोस्ती है, है? ज्यादा घंटा रूप कला ते मेरी मिठास की बात करवावा है फिर तो मैं रह सकूं। अरे मरवाओगा हमने तू गांव में आपस चल ले। अरे मरवाओगा के तो हमने क्यों रूप कला के महल में कोई ओपरा इंसान उसके पिता के अलावा कोई नहीं जा सकता भाई कटवावागा हमने मैंने रूप कला ते मिलवांदी हो मैं रह सकूं। किसकी चूड़ी पर आवा था इसका तो यूडी मरा हो रहा है एक शर्त पे मिलवा सकूं के जनन्ना बेस करना होगा भाई लेडीज ये सेलियां के जमाने छाछ से धर रहा नू नहीं मिल सकता तू या तेरी मौसी है जांच का उड़े तो या उसका पिता या उसका बाप ओ इंसान तो कोई अपना मान नहीं जा सकता उसके दौरे यानी कि रूप कला के पास मर्द मानस नहीं जा सकता इसके पिता का मिलना हो तो साड़ी बांध ले जनाना बन जा प्योर मूछ कटवा ले रही सेलिया के छाछ से खड़े कर रहा जनाना बनना पड़ेगा सेली लाली लिपस्टिक स्याही सुरमा लुगाई बनना पड़ेगा और ना फिर मिल ले भाई रूप कला फिर तो बेटे मेरे तो मिल भी कई बजे मिल मेरे दानी सुनो अपनी माँ को नुहाना था रूप कला के हाथ से कोट ठीक करवाना था मजबूरी बन गई 17 सुजान की मर्द मानस नहीं जा सके था रूप कला के पास कोई जनाना बनना पड़ गया। हाँ यानी के लुगाई बनना पड़ेगा भाई भाषा बदलनी पड़ेगी भाषा बदलनी पड़ेगी प्योर जनानी वाली बात होनी होगी शरीर में हाल हाल सब कुछ अच्छा नहीं भाई एक दो पत्ता वर्गा हो जाए एकदम पुर्जा बदलना पड़ेगा तेरे शरीर में तभी ले भाई दादा दुर्गा दत्त मुंह दिखाई घालना बहू के ओ दे आ देखिए बहू ने पुचकार तो दे अरे 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 पुचकार मनियारी आगे चल और आगे चल लड़ासी है आगे चल डर दे बस डर दे अरे मनियारी हाँ मैंने तो दिखड़ लग गया रे क्यों तेरे में छोरा भागाड़ा है इसने बोलनी सिखा दे भाई हमोसा वा तने पूछेगी बेबे तेरा के नाम से के नाम है लुगाइया की तरिया बोलना है जमा क्यों करे न्यू कहना है वो पूछेगी बेबे के नाम है तेरा है। तन तेरा नाम बदलू हूँ मैं और है। तने कहना है बेबे मेरा नाम तो नखरोस है बेबे मेरा नाम तो नखरोस है मड़ा और कसे के बेबे मेरा नाम तो नखरोस है बेबे मेरा नाम तो डांस मैंने नाचना को नहीं आता मुसी वो सिखाया था रात रसोई में
यानी कि वो नाच गाना सुनेगी। मोसीरी मन नाचना तो कौन आता पड़ेगा भाई। भाई। थोड़ा बहुत आता होगा दिखा दे आन दे क्विंटल क्विंटल के ढूंगे चलन दे भाई। देखे भुजो की बात छोरिया जब आई नहीं नहीं है दिल में मेरा इस्तरिया पा उठे था जाट चाल रहा रेली में बुढ़िया की खुराक रोजगी मीठे खाया करती रोजगी मीठे खाया करती। और जब मैं छोड़ने जब मैं छोड़ने जाया करती टक्कर की बात निराली में भाग्या छोरा छोरा ना जान दिया जब भाग दुलंडी खेली मैं। ले लो सरपंच थानेदार साहब से मुंह दिखाई तो ले ले जय हो। अच्छा होए 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 ले लो गुरुजी ले लो और ले लो। धन्यवाद 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 मेरे भाइयों का। चल भाई अरे चल रही हाँ चल सांस ना फाड़ दिए बिल्कुल भी। एरी मोसी हाँ डर जा मेरा गना हो वे पे अच्छा चाल। अच्छा और तू तो इस तरह जा रहा जरा जवार कटने जा रहा हो क्यों कर चलना है ए? क्यों कर चलूं एक मैं दिखाऊं तने ऐसे। अच्छा ठीक चल एरी बहन रूप कला राम राम साथी आए ये टाइम है तेरा आने का। ए बहन मेरे घर पर मेहमान तेरे को पता है ना मैं समुद्र में सैर करती हूँ। चल आज सैर करवा मेरी दुरानी कराएगी सैर आपको। तेरी दुरानी हाँ कड़ा तेरी दुरानी यार रही चलाना भी आवे नहीं कदे मने राम अट्ट बोलते यही तो मेरी उस्ताद है या और इसने सिखाया था मेरे तक अनबोर्ड चलाना। अच्छा और हाँ बेबे मैं माना रही हाँ खाना वाना बनाना है मैंने और टाइम तो भेज दिए भेज दूंगी। आए आई कदर या रात 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 आई हूँ इसको रात आने का ब्योत तो नहीं दिख रहा है नरोले काजू बादाम तैयार रखे भी तर में आए मनियारी ये तेरा नाम के है। मेरा नाम तो नखरो से नखरो और भी कसा है का नखरो कसा कर रही इतने अगन बोर्ड चलाना वे हाँ चलो हमें सैर कराओ। चलिए मेरे दानी सुनो रूप कला को वो जादू खोरी मनियारी समुद्र में सैर करवाती थी। रूप कला जी बैठिए बैठिए कित बैठू जगह मैं तो सारी मैं तू पसर की ये अगली सीट खाली है। ना ना कोई ना बैठू जगह तो कोना जगह तो बैठते हो जाएगी। मेरी बात सुनो हाँ कहाँ तक की सैर करती हो आप। हर रोज 10 किलोमीटर घूम के आती हूँ समुद्र समुद्र में हाँ। आज हम आपको समुद्र का परला किनारा दिखाएंगे। परला किनारा हाँ सीट खड़ी हो जाएगी बैठ जा मंदिर दिखाएंगे जो परले किनारे दुर्गे माँ का। अच्छा ठीक है परले किनारे पर बैठिए दुर्गे माँ का मंदिर दिखा लाइए हनुमान जीओ का मंदिर दिखा लाइए बाबा सोमनाथ का मंदिर दिखा लाइए नखरो भीम गोडा ना दिखा के लाइए। बैठिए जगह 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 ओ जेगी जगह तो बैठ जा तो जगह जगह पड़ी है तो मेरे दानी सुनो सत्र सुजान उस अगन बोट की रफ्तार तेज कर देते हैं
रूप कला क्या कहती है सुनिए। बोलिए अगन बोट को पीछे लो, पीछे नहीं होगा तो अगला गेर लाग रहा है। चक्कर आ गए, नींबू नींबू चूस ले तोड़ के। हे अगन बोट ने डांट लिया मेरा जी दुख पारा। और क्यों कर डांट है अगन बोट को दिखे नहीं कर पारा। अगन बोट ने सुजान हूं रंगून शहर से आया हूं। मेरे पति ऐसे नहीं मनियारे बनके घूमते। मेरी माँ के पास एक बाबा जी गया था। अच्छा। मेरी माँ के काया में कोट है रूप कला। फिर और चाल के मेरी माँ ने नवा दे। माँ आपका पति छत्र सुजान हूं, आपको लेने के लिए आया हूँ। सच कह रहे हैं? चलिए मेरे दानी सुनो, रूप कला को लेकर अपनी माँ को नवा देता है, कोट ठीक हो जाता है, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। बोलिए जय हो बाबा सोमनाथ की, जय हो बाबा बूंदीनाथ महाराज की, और जय हो नगर खेड़ की, जय हो देवी देवताओं की, जय भाई, जय हो बाबा गोपाल गोवर्धन दास की।